एवरीवन एंड वेलकम टू रबकस किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार किस्म का गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन कॉर्न सूप को बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से बनाने के लिए पहले उसका चिकन स्टॉक बनाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, मैंने इस रेसिपी को दो स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम चिकन स्टॉक बनाएंगे, चिकन की यखनी बनाएंगे और उसके बाद उस यखनी में से कॉर्न सूप बनाएंगे। तो यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। पानी चाहिए मुझे तकरीबन 8 ग्लास तक, आधा किलो ये मेरे पास हड्डी वाला चिकन है। उसके अलावा 8 से 9 मेरे पास ये साबित काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 गाजर है जिसको मैंने इस तरह मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है उसको भी मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है, 3 जवे लहसुन के हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है। इनको देखिए मैंने बारीक नहीं काटा है, उसी तरह से मोटे मोटे पीसेस में ही रहने दिया है। उसके अलावा मुट्ठी भर हरा धनिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं चिकन स्टॉक को बना रही हूँ प्रेशर कुकर में ताकि मेरा प्रोसेस जल्दी हो जाए। अगर आपको प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करना तो आप देगची में भी बना सकते हैं। चूल्हा मैंने कर लिया है ऑन मीडियम फ्लेम पे। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। अब जाएगा इसमें ये चिकन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबित काली मिर्च, नमक और जो ये सब्जियां हमने काट के रखी हुई थी, लहसुन जा रही है इसमें, अदरक, हरा धनिया, प्याज और ये गाजर, इनको करेंगे मिक्स। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। 5 मिनट तक मैंने चिकन स्टॉक को हाई फ्लेम पे रखा है और अभी आप ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर स्कम गैदर्ड हो गया है, जमा हो गया है। स्कम का मतलब होता है कि जो इम्प्योरिटीज चिकन में होती हैं वो ऊपर आ गई हैं। तो आराम से इसको मैं निकाल लूँगी। अब मैं इस प्रेशर कुकर को बंद करके और कवर करके इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ताकि अच्छे से चिकन गल जाए और हमारा ज़बरदस्त किस्म का चिकन स्टॉक रेडी हो जाए। अगर आपको अगर आप देगची में बना रहे हो तो आप हल्की आंच पे कवर करके 1 घंटे तक पकाइए। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और प्रेशर कुकर थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इसको खोलते हैं और चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा चिकन गल चुका है और ये 8 कप से कम होके 6 कप हो गया है। इतना ही हमें स्टॉक चाहिए। अब मैं इसे छान लूँगी। तो ये मेरे पास छलनी है, इसके नीचे मैंने ये प्याला रखा हुआ है जिसमें स्टॉक जमा होगा और आप इसको छान लेते हैं। चिकन थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको हड्डियों से अलग करूंगी और हाथों की मदद से इसको श्रेड कर लूंगी और ये ज़बरदस्त सा स्टॉक रेडी है। चिकन थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको हाथों की मदद से इस तरह हड्डियों से अलग कर रही हूँ और बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए मैं सारे चिकन को हड्डियों से अलग करके और हाथों की मदद से श्रेड कर लिया है। तो अब हम कॉर्न सूप बनाते हैं।
तो कौन सा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। ये 6 कप मेरे पास यखनी है जो अभी हमने रेडी की है। उसके अलावा ये 1.5 कप उबला हुआ श्रेडेड चिकन है। उसके अलावा ये मेरे पास 1/2 कप कॉर्न्स की प्यूरी है या क्रीम ऑफ कॉर्न्स है। इसका टिन भी मिलता है, अगर आपके पास ना हो टिन तो इस तरीके से आप स्वीट कॉर्न्स को आराम से ब्लेंड कर सकते हैं। ये मेरे पास 1/2 कप स्वीट कॉर्न्स हैं। 2 अंडे की सफ़ेदियाँ हैं। 5 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। 3 टेबल स्पून मेरे पास पानी है। ये मेरे पास एक कनोर या मैगी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका एक क्यूब आप यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा और इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर लें। मेरे पास आधा टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। नमक मैं आधा टीस्पून इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस कनौर के क्यूब में भी नमक होता है और यखनी बनाते वक्त भी हमने नमक यूज़ किया था, तो इसलिए आधा टीस्पून मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से फिर भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास सोया सॉस है, चिली सॉस और विनेगर, जिसमें मैंने ये हरी मिर्चें काट के रखी हुई है। ये सूप में अंदर चीज़ें नहीं जाएंगी। ये आप सूप के साथ सर्व करेंगे कि जिसको जितना पसंद है वो अपने टेस्ट के हिसाब से उतनी क्वांटिटीज डालें। तो चलिए जी, मज़ेदार किस्म का चिकन कॉर्न सूप स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है और मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने ऑन कर दिया। अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें चिकन स्टॉक, चिकन की यखनी। चिकन स्टॉक में मैं डाल रही हूँ ये 1 क्यूब जिसको मैं हाथों की मदद से तोड़ लिया है। उसके अलावा इसमें जा रहा है ये काली मिर्च का पाउडर और नमक। इन सारी चीज़ों को मैं करूँगी मिक्स और वेट करेंगे कि यखनी में एक अच्छा सा जोश आ जाए। यखनी में अच्छे से जोश आ गया है। अब मैं ये प्यूरी फॉर्म क्रीम ऑफ कॉर्न्स इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं करूँगी मिक्स। अब मैं इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप साबित कॉर्न्स। अब इसमें जा रहा है ये उबला हुआ श्रेडेड चिकन। थोड़ा सा मैं इसको बचा लूंगी ऊपर गार्निश के लिए। इसको करेंगे मिक्स। अब सूप को गाढ़ा करने के लिए ये 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में है, ये मैं 3 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ। अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। जो भी कॉर्नफ्लोर नीचे जमा हुआ है उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं ताकि कोई लम्स ना रहे और थिक सा कॉर्नफ्लोर और पानी का पेस्ट बन जाएगा। और जितनी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है सूप की थिकनेस की आप उतना यूज करें। तो मैं हर थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और घुमाती जाऊंगी। अगर हम इकट्ठा सारा डालेंगे तो एक जगह पे लम्स हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डालिए और मिक्स करते जाइए। जबरदस्त सा ये कॉर्न सूप की जबरदस्त सी कंसिस्टेंसी आ गई है। ठीक है जी, अब ये जो मेरे पास 2 एग व्हाइट थी, अंडे की सफेदियां, इनको मैं अच्छे से फेंट लूंगी। और इसको डाल के आपने मिक्स नहीं करना है वरना पूरा सूप क्लाउडी हो जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा डालना है इसको इस तरीके से, ये देखें, और उसको खुद ही थोड़ी देर पकने दें।
और ये आप देख रहे हैं कि पक के ऊपर वाइट वाइट हो रहे हैं। तकरीबन मैं इसको आधे सेकंड के लिए, तकरीबन मैं इसको एक मिनट के लिए इस तरह छोड़ दूंगी और उसके बाद मिक्स करूंगी। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। ये देखिए, एक से दो मिनट मजीद हम इस सूप को पकाएंगे। और अब मैंने फ्लेम जो है वो लो कर दिया है और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी। एक से दो मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, अब मैं इसे करूंगी डिश आउट। और ये जो मैंने तकरीबन एक टेबल स्पून जितना चिकन छोड़ दिया था, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ यहाँ पे। तरीके से, और थोड़ी सी मैं ग्रीन चिलीज इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो जबरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप रेडी है। तो मैं जबरदस्त से इस कॉर्न सूप को आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा बना है। टू गुड, बिल्कुल। मैंने इसमें अभी कुछ भी और ऐड नहीं किया, विनेगर, सोया सॉस या चिली सॉस, और ये ऑन इट्स ओन इतना यमी है और इतना ज़बरदस्त कि आप इसको जल्दी से बनाइए सर्दियों में और इसे इंजॉय करें। अच्छा, जो चिकन स्टॉक मैंने आपको बनाना सिखाया है उसको आप बना के छान के फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 दिन तक। और अगर आपको फ्रीज़ करना है तो 6 कप को आप 2-2 कप के पोर्शंस में, छोटे छोटे पोर्शंस में स्टोर करके फ्रीज़र में 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरे यमी से चिकन कॉर्न सूप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हाजिर होंगी एक नई झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। अल्लाह हाफिज़।